अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल सनराइज वर्ल्ड। वन यूरो शॉप में आई हूँ। चले जी एंटर होते हैं। बाहर तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गमले लगाए हुए हैं, गुलदान जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से फूल्स वगैरह हैं और बड़े बड़े हैं। ये देखें जी, 220 का ये 1 यूरो लगाया हुआ है इन्होंने। चले जी एंटर होते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी चीज़ मौजूद भी है या नहीं है। ये 1 यूरो शॉप आपको मिलेगी यूसुफ माल सियालकोट लहाई बाज़ार में। यूसुफ माल के अंदर 1 डॉलर शॉप है, उसके साथ ही तकरीबन 1 यूरो शॉप भी है। ये देखें, ये कुछ गुलदान वगैरह लगाए हुए थे, पॉट्स बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं ये, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है। ये डेकोरेशन के लिए बेस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से डेकोरेशन पीसेस थे। ये देखें, ये जो draws.pk से आप ऑनलाइन मंगवाते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पॉट्स वगैरह। ये मैंने कुछ चीज़ें draws.pk पर देखी थी। उसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक के टिफ़न्स वगैरह हैं, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सबसे अच्छे यहाँ पर पॉट्स लगे हैं। उसके अलावा क्रॉकरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें थी, प्लास्टिक मुझे बहुत हल्का वाला लगा। ये देखें, ये बास्केट वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन लेटेस्ट कोई चीज़ मुझे 1 यूरो शॉप में नज़र नहीं आई। ये बॉटल्स वगैरह लगी हुई थी जो बहुत ही हल्की वाली लग रही थी, बहुत ही प्लास्टिक हल्का वाला यहाँ पर मौजूद है। मुझे इनकी क्रॉकरी ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। ये कुछ गिलास वगैरह थे जो लेटेस्ट नहीं थे, बस कुछ लगाए हुए थे इन्होंने। उसके अलावा ये देखेंगी, ये इन्होंने कुछ लंडा भी लगाया हुआ था। लंडा आजकल कौन ख़रीदता है, और 1 यूरो शॉप में क्या हम लंडा ख़रीदने जाएंगे? ये देखें, ये कुछ शर्ट्स वगैरह थी, बच्चों के कपड़े थे जो कि देखने में ही अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके अलावा ये देखें, बच्चों के कुछ टॉयज़ वगैरह भी मौजूद थे। चलिए, टॉयज़ तो बंदा बाय कर ही लेता है क्योंकि बच्चों ने तोड़ने ही होते हैं, तो ये पैकेट्स में मौजूद थे वैसे भी, तो ये तो हम बाय कर ही सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ मेकअप नज़र आया, मेकअप भी कुछ ख़ास नहीं था, मेकअप भी मुझे 2 नंबर लग रहा था। यहाँ पर कॉस्मेटिक की चीज़ें मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, फेस वॉश, हैंड वॉश वगैरह, वो इतने मुझे देखने को नहीं मिले हैं। ये देखें, ये भी लंडे के ही ये बालू वगैरह लगे हुए हैं जो बच्चे छोटे छोटे से यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये किचन के कुछ सामान है जो कि बस पुराना सा ही सामान है, लेटेस्ट कोई सामान नहीं। आजकल तो लोग लेटेस्ट चीज़ें ही लेना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।